तो आज सुप्रीम कोर्ट में एक बहुत बड़े से कंट्रोवर्शियल हियरिंग, आज सुप्रीम कोर्ट में मैटर आ गया था ममता मीम राव के बारे में। तो ममता बनर्जी के बारे में एक मीम फैलाया जा रहा था फेसबुक और सोशल मीडिया पे, जिसमें उनका फ़ोटो लेके प्रियंका चोपड़ा के फ़ोटो मेट गाला से उस पर छपा दिया। तो अब ये मैटर के वजह से, ये मीम को पोस्ट करने के लिए चार दिन पहले एक बीजेपी यूथ विंग लीडर को वेस्ट बंगाल में अरेस्ट किया गया था। ये बीजेपी यूथ विंग लीडर है प्रियंका शर्मा, एक 25 ईयर ओल्ड वहाँ पे उनके बीजेवाईएम के मेंबर हैं, उनको हावड़ा से अरेस्ट किया गया था। अब उनके अगेन उन वहाँ पे वो बेल के लिए नहीं पहुँच पा रहे थे क्योंकि वहाँ पे लोकल कोर्ट स्ट्राइक पे थे। तो वो सुप्रीम कोर्ट में उनके भाई ने एक अर्जेंट पिटिशन फाइल किया था और रिक्वेस्ट किया था कि इसको अर्जेंटली हियर करो। तो आज वेकेशन बेंच जो है सुप्रीम कोर्ट के, जस्टिस इंदिरा बैनर्जी और संजीव खन्ना ने ये मैटर को सुना था। पहले उन्होंने बोला कि देखो हाँ, इसमें तो बेल देना ही चाहिए, पर वो उसके बाद जस्टिस बैनर्जी कह रहे थे कि यहाँ पे प्रियंका शर्मा को, ममता बनर्जी को जो वेस्ट बंगाल के मुख्यमंत्री है, उनको एक अपॉलोजी देना चाहिए क्योंकि ये मैटर यहाँ पे, ये जो प्रियंका शर्मा है वो एक अपोजिशन के साथ में काम कर रहे हैं, वो कॉमन सिटीजन ही नहीं है। तो वो कह रहे थे कि अपॉलोजी देना चाहिए। प्रियंका शर्मा के जो वकील है वो कहने लगे थे कि नहीं नहीं, यहाँ पे इस मैटर में अपील में अपॉलॉजी का क्या ज़रूरत है यहाँ पे, और ऐसे कुछ कंडीशन नहीं बनाना चाहिए। जजेस पहले कह रहे थे कि ये कंडीशन नहीं है बेल मिलने के लिए, पर फिर बाद में उन्होंने ये कहा था कि उनको अभी ही रिलीज़ कर दो बेल पे, पर उनको एक अपॉलॉजी देना पड़ेगा इमीडिएटली ममता बनर्जी को। तो इसके बारे में थोड़ा काफ़ी प्रॉब्लम हो रहा था कोर्ट में, किसी को समझ में नहीं आ था कि ऐसे क्यों हो रहा था। जो एडवोकेट है प्रियंका शर्मा के लिए, उन्होंने बोला कि अच्छा ये ठीक है, इनको बेल पे अभी रिलीज़ कर दो, पर ये जो अपॉलॉजी का इशू है उसको कोर्ट में आर्ग्यू करना पड़ेगा क्योंकि वो कह रहे कि ये फ्री स्पीच का वायलेशन है, तो इसको कोर्ट में बड़ा सा केस सुनना पड़ेगा इसके बारे में। तो कोर्ट ने कहा ठीक है, आप ये वेकेशंस के बाद इस मैटर को सुन लेंगे, इस मैटर को। तो इसके बाद हम सब निकल गए थे कोर्ट से, फिर जजेस ने एक्चुअली उनको रिकॉल कर दिया था, लॉयर्स को वापस आने के लिए बोला और उनको बोला कि देखो यहाँ पे अभी ये बेल पे रिलीज़ कर दो इमीडिएटली इनको, और इनको अपॉलोजी करने का कोई ज़रूरत नहीं है, उनको अगर करना है तो करने वो कर सकते हैं ममता बनर्जी को, और कोर्ट का ऑब्वियसली ये तो रिकमेंडेशन है ही कि ये अपॉलोजी करे, पर उन्होंने इसको कंडीशन नहीं बनाया। तो अभी ये स्ट्रेंज है कि ये ऐसे सिचुएशन हो गया था कोर्ट में, पर अब जो हुआ है सो हो गया है। अब जजेस ने कहा कि तो अभी देखना पड़ेगा कि इस केस में क्या होने वाला है, अभी तो उनको बेल पे रिलीज करना किया कर देना पड़ेगा कोलकाता जो हावड़ा के पुलिस को, पर उसके बाद देखना पड़ेगा क्या वो इस केस को आगे ले जाएंगे, क्या ये सुप्रीम कोर्ट में क्या इशू होगा फ्री स्पीच के बारे में। तो इन सब मैटर्स के लिए क्विंट को फॉलो करते जाइए, हम आपको सब अपडेट्स देते रहेंगे।